नमस्कार। ये पशुगणना का जो चैप्टर है, पशुगणना प्रति 5 वर्ष के अंतराल में होती है और 5 वर्ष के अंतराल में पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा संपन्न करवाई जाती है। पहली बार राजस्थान में पहली बार पशुगणना 1919-20 में रियासतों के अंदर संपन्न हुई थी। इस समय रियासती काल चल रहा था और रियासती काल में रियासतों के अंदर पहली बार पशुगणना का आयोजन हुआ था। पहली बार जो पशुगणना का आयोजन हुआ था वो रियासत थी, लगभग जैसे कि जयपुर थी, जोधपुर थी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, ऐसे इन रियासतों में पहली बार पशुगणना का क्या हुआ था आयोजन। पहली बार रियासती काल में जब पशुगणना आयोजित हुई, जब स्वतंत्रता मिली भारत में, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम पशुगणना, स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशुगणना का आयोजन कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशुगणना आयोजित हुई थी 1951 में। 47 में स्वतंत्रता मिली, पहली बार पशुगणना 1951 में आयोजित हुई। लेटेस्ट जो पशुगणना है तथा वर्तमान जो पशुगणना है वो आयोजित हुई है 16 अक्टूबर 2019, जो 20वीं पशुगणना थी। 20वीं पशुगणना 2019 में जो आयोजित हुई वो कौन से नंबर की पशुगणना थी? 20वीं। राजस्थान में अब तक 20 बार पशुगणना का आयोजन हो चुका है। 2019 की 20वीं पशुगणना 2019 की 20वीं पशुगणना 2019 की 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो, पशुगणना प्रति 5 वर्ष के अंतराल में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशुगणना का आयोजन किया जाता है और राजस्व मंडल अजमेर द्वारा जो पशुगणना का आयोजित होता है ये पहली बार रियासती काल में आयोजित हुई थी। सर्वाधिक की अगर बात करें, देखो 2019 के अनुसार कुल पशु कितने हैं? ऑप्शन ए 5.76 करोड़, ऑप्शन बी 5.68 करोड़, ऑप्शन सी 5.66 करोड़ और ऑप्शन डी 5.77 करोड़। राजस्थान में कुल पशु पूछ रहा हूं 2019, मतलब 20वीं पशुगणना के अनुसार, 2019 के अनुसार कुल पशु राजस्थान के अंदर 5.76 करोड़ है या फिर 5.68 करोड़ है या फिर 5.66 करोड़ है या फिर 5.77 करोड़ है? ऑप्शन ए के साथ जो जाना चाह रहा है वो बताएं। ऑप्शन ए के साथ कि राजस्थान में कुल पशु धन कितना है, ऑप्शन ए के साथ, नहीं बी के साथ,
दो कैंडिडेट ऑप्शन बी में आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन सी। 2, 3, 4, वेरी गुड, चार कैंडिडेट यहाँ आ रहे हैं। डी 5.77 में दो कैंडिडेट आ रहे हैं, क्लियर। चार ऑप्शन दिए, इसमें किसी ने आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, इसमें आंसर नहीं था। यहां दो कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं, वो दोनों गलत हैं। 5.66 वाले चारों गलत हैं, आंसर क्या है 5.68 करोड़। भाई राजस्थान में 2019 के अनुसार, 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है वो कितना है, 5.68 करोड़। 5.68 करोड़ है। इससे पहले जो पशुगणना हुई थी वो 2012 में हुई थी, और 2012 के अनुसार मतलब 19वीं जो पशुगणना 2012 में हुई, फिर पशुगणना 2019 में जाकर संपन्न हुई थी, नहीं हुई वो 19 में जाके, 19 के बाद में कोविड का मैटर आ गया, इसमें कई काम नहीं हुए राज्य सरकार के अंदर। भाई 2012 के अनुसार कुल पशु कितने थे, मतलब पहले ज़्यादा थे कि कम थे, भाई घटोतरी हुई है कि बढ़ोतरी हुई है, पहले ज़्यादा थे, कितने थे, पहले थे 5.77 करोड़, जो मतलब पशुओं की, कुल पशुओं की इसमें कमी हुई है। अब की बार 2019-20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो राजस्थान में 5.65 करोड़ पशु हैं, ये 2012 में 5.77 करोड़ थे, जो घटकर 5.65 करोड़ रह गए, तो कमी कितनी रही। 2012 की तुलना में 2019 के दौरान पशुओं, कुल पशुओं में कमी, कुल पशुओं की कमी कितना परसेंट की कमी आई है। अगर उसने ऐसे क्वेश्चन कर लिया कि 5.68 करोड़ से घटकर, ये 5.77 से घटकर 5.68 करोड़ रह गई, तो इस 2012 की तुलना के अनुसार 2019 के दौरान पशुओं में कमी कितने परसेंट की कमी आई है। ऑप्शन ए 1.99% की, ऑप्शन बी 1.66% की, ऑप्शन सी 1.76% की, या ऑप्शन डी 1.34% की। कमी 1.99 कोई है नहीं, 1.66 लगभग इसमें आंसर दे रहे हैं, 1.76 में भी इसमें भी आंसर दे रहे हैं, और 1.34 में कोई आंसर नहीं दे रहा। देखो यहाँ आंसर नहीं था और यहाँ भी आंसर नहीं है, आंसर दिए वहीं आंसर निकलेगा, ये दोनों गलत हैं। 1.66 की क्या हुई है कमी, 1.66% की क्या हो गई है इसमें अब की बार कमी हुई है। कुल आंकड़े में ये कमी निकल के आई है, ना कि वृद्धि, कमी निकली है, 1.66 की कमी हुई है। अगर सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन पाया जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, सर्वाधिक कौन सा पशुधन राजस्थान में पाया जाता है। फर्स्ट नंबर बकरी, बकरी को गरीब की गाय बोल देते हैं, और गरीब का मेवा किसको बोलते हैं, बकरी गरीब की गाय। अगर गरीब की मेवा पूछे, गरीब की मेवा क्या है, गरीब के कौन सा मेवा मिष्ठान खा सकता है, बेर। गरीब की मेवा, गरीब का मेवा कौन सा फल होता है, वो होता है बेर। बेर गरीब की मेवा कहलाता है, और
गरीब की गाय बोलते हैं किसको? बकरी को। गरीब फलों में राजा बोलते हैं आम को। फलों का राजा कौन सा है? आम। और फलों की रानी लीची। फलों की रानी कौन सी होती है? लीची। दलहनों का राजा किसको बोलते हैं? दलहन मतलब जो दाल बनती है इनमें चना। दलहनों का राजा कौन सा होगा? चना। और दलहनों की रानी? दलहनों की रानी होगी मटर। समझ गए? ये सापुरा भीलवाड़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, देखो राजस्थान में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पर कौन सा पशुधन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो पशुधन पाया जाता है वो पशुधन है फर्स्ट नंबर पे बकरी। सबसे ज्यादा बकरी पशुधन पाया जाता है सेकंड नंबर बताएं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन पाया जाता है? और कोई? यहां तो ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन ए गोवंश, भैंस वंश, मुर्गी, घोड़े। दूसरे नंबर सेकंड नंबर पर राजस्थान में कौन सा पशुधन पाया जाता है? ऑप्शन ए के साथ कितने बता दें? एक दो तीन चार पांच। अच्छा चलो, भैंस वंश, चार कैंडिडेट भैंस वंश में आ रहे। मुर्गी, दो मुर्गियों में भी आ रहे। वाह, घोड़े, घोड़े में कोई नहीं है, माइनस में जा रहा है। घोड़े तो मिलते ही नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, ये लो देखो, गोवंश के अकॉर्डिंग पांच का आंसर आया था। ये पांचों ही सही है भाई। सेकंड नंबर पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? तो सेकंड नंबर पर सर्वाधिक जो पशुधन पाया जाता है वो सर्वाधिक पशुधन है, उसका नाम है गोवंश। गोवंश मतलब गाय, गोवंश मतलब गाय। सेकंड नंबर पर गोवंश गाय, थर्ड नंबर की अगर बात करें तो भैंस वंश। थर्ड नंबर पर भैंस वंश सबसे ज्यादा पाया जाता है राजस्थान में। चौथा नंबर बताएं। चौथे नंबर पर राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? भेड़। भेड़। पांचवे नंबर पे मुर्गी। पांचवे के बाद छठवा नंबर जो आता है वो आता है ऊंट का। छठवे नंबर पर कौन सा पशुधन पाया जाता है? ऊंट। राजस्थान में छठवे नंबर पर जो पशुधन पाया जाता है वो ऊंट है। पांच क्रमांक तक अगर आपसे कहीं बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन पाया जाता है? बकरी। बकरी के बाद सेकंड नंबर, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद मुर्गी। देखो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? पांच वर्ष के अंतराल। कौन करवाता है पशुगणना? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशुगणना आयोजित होती है राजस्थान में। पहली बार पशुगणना रियासती काल में 1919-20 में इन रियासतों में संपन्न हुई थी। स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्रता के बाद हुई, और वर्तमान है वो 2019 में। कौन से नंबर की हुई थी? 20वीं। मतलब अब तक 20 बार पशुगणना का आयोजन हो चुका है। ये 20वीं जो पशुगणना है उसके अगर आंकड़े देखें तो 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार कुल पशु राजस्थान के अंदर 5.68 करोड़। ये 2012 में अधिक थे, 5.77 करोड़। मतलब अब की बार कमी हुई है उल्टी पशुओं में, तो वो कमी हुई है 2012 के अनुसार। 2019 के दौरान जो कमी हुई है वो हुई है 1.66% की। 1.66% की क्या हुई है? कमी। अगर सर्वाधिक पशुधन में अगर पांच क्रमांक तक की बात कर रहे, सबसे ज्यादा कौन सा पशुधन? बकरी। सेकंड नंबर गोवंश, थर्ड नंबर भैंस, फोर्थ नंबर भेड़, फिफ्थ नंबर मुर्गी। अगर मैं आपसे बात करूं कि राजस्थान में ये
पशु घनत्व की बात करें, राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है? घनत्व का मतलब तो समझ रहे हो, प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात तो क्या कहलाता है, लिंग अनुपात, जनसंख्या में पढ़ा था ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व बोलते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में पशुओं का भी क्या निकाला जाता है, घनत्व। तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि 2019 या 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का कुल पशु घनत्व, राजस्थान का 2019 मतलब 20वीं पशु गणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना है? अच्छा, ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ए 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और ऑप्शन भी तो सुन लो, ऑप्शन बी 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 144 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और 72 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि पशु घनत्व की चर्चा कर रहे हैं, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु घनत्व कितना है, कुल पशु घनत्व पूछ रहा हूं, कुल पशु घनत्व 169, 166, 144 या 72, ए ऑप्शन के साथ कितने हैं? चलो लगभग 5 कैंडिडेट आ रहे हैं। 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, 3 कैंडिडेट आ रहे हैं 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। एक सौ चौवालीस, कोई नहीं, और 72, 72 में कोई नहीं, चलो ये 5 सही है, समझ गए। 2019 में जो 20वीं पशु गणना हुई उसके अकॉर्डिंग 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में 169 पशुओं का रेशो आता है। अगर हम बात करें कि यही रेशो अगर 2012 के अनुसार निकालें कि 2012 में पशु घनत्व कितना था, 2012 के अनुसार मतलब इससे पहले 19वीं जो पशु गणना हुई थी, 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान का कुल पशु घनत्व, 2012 में जो कुल पशु घनत्व था वो कितना था, 2012 के अनुसार राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना था जो बढ़कर 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया 2012 के अनुसार? ये था 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे ये रेशो प्रति वर्ग किलोमीटर 166 पशु का रेशो आता है राजस्थान के अंदर, पशु 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर 19वीं पशु गणना में, इससे पहले ये तो 2012 में हुई थी, ये 2019 में हुआ था। अगर 2003 के अनुसार देखें, 2003 के अनुसार राजस्थान का कुल पशु घनत्व, 2003 के अनुसार राजस्थान का कुल पशु घनत्व कितना था, 2003 में कितना था भाई? 2019 के अनुसार ये हो गया, 2012 के अनुसार 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2003 में कितना था? 2003 में पशु घनत्व जो था वो था 144 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, एक किलोमीटर में
144 पशुओं का घनत्व आता था 2003 में, 2000 क्या 19वीं पशुगणना, मतलब ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 2019 के अनुसार, ये 2012 के अनुसार। किसमें? हाँ, तो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निकलता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व का रेशो 166 था, पर अब की बार घनत्व बढ़ के आया, पर कुल पशुधन में घटोतरी हुई है अब की बार, कुल पशु घनत्व। अरे राजस्थान, ये इस मुद्दे को राजस्थान, अब पहले राजस्थान के किस जिले में पशु घनत्व था? डूंगरपुर का 309 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, वहां भी अब की बार घट के आया है। राजस्थान के जिलों में घट के आया है, जिलों में कितना आया है कि अब की बार दो जिले दौसा और राजसमंद दोनों पशु घनत्व में, दौसा और राजसमंद सेम है तो घट के आया। पहले डूंगरपुर का सर्वाधिक था 309 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। भाई ये अगर आप आंकड़ा, जब स्वतंत्रता के बाद जो पशुगणना हुई थी 1951 में, अगर 1951 के अनुसार राजस्थान का कुल पशुगणत्व, कुल पशुगणत्व कितना है 1951 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 72 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। स्वतंत्रता के पश्चात जो पशुगणना हुई थी पहली बार, तब 72 पशु का रेशो आता था राजस्थान में। 2003 में जब पशुगणना हुई, लगभग पशु का जो घनत्व था वो प्रति वर्ग किलोमीटर 144 था, और जब 2012 में पशुगणना का आयोजन हुआ 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2019 में 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में पशु घनत्व अगर जिलों के अंदर देखें, जिलों के अंदर अगर पशु घनत्व देखें तो राजस्थान के जिलों में, राजस्थान के जिलों में पशु घनत्व, राजस्थान के जिलों में पशु घनत्व का अगर रेशो देखें कि राजस्थान के जिलों में पशु घनत्व सर्वाधिक, बताएं सर्वाधिक पशु घनत्व कहाँ का है भाई? सर्वाधिक पशु घनत्व जो था वो पहले पशु घनत्व डूंगरपुर में था भाई। इस 19वीं जो पशुगणना 2012 में संपन्न हुई थी, अंतरिम आंकड़े जो आए तब इसमें डूंगरपुर था, प्रति वर्ग किलोमीटर 309 पशु का रेशो आता था, पर अब की बार यहां जिलों में पशु घनत्व घट के आया है। वो घट के आया है कहां का, तो बताएं लाओ कहां का है। एक तो है राजसमंद, राजसमंद, और दूसरा है दौसा। सेम पशु घनत्व है दोनों जिलों का, कितना कितना पशु घनत्व है दौसा और राजसमंद का? दौसा और राजसमंद का पशु घनत्व है 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। दौसा और राजसमंद के अंदर 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर का रेशो आता है। ये रेशो 2019 के अकॉर्डिंग ये रेशो निकल के आता है। अगर न्यूनतम देखें तो ये तो सर्वाधिक था, अगर न्यूनतम का रेशो देखें, न्यूनतम न्यूनतम पशु घनत्व कहां का है सबसे कम राजस्थान में? न्यूनतम पशु घनत्व ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। सर्वाधिक पशु घनत्व पहले डूंगरपुर का था,
वर्तमान राजसमंद और दौसा का है। राजसमंद दौसा में 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। अगर ये न्यूनतम में देखें, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, न्यूनतम चार मैंने आपको ऑप्शन दिए, चार ऑप्शनों में अगर आप बात करें तो बताएं बाड़मेर में, बताएं कितने, तीन कैंडिडेट बाड़मेर में आ रहे। चलो जैसलमेर, दो कैंडिडेट जैसलमेर के साथ आ रहे हैं, धन्यवाद। जोधपुर, न्यूनतम पशु घनत्व पूछ रहा हूँ, न्यूनतम पशु घनत्व राजस्थान में, न्यूनतम पशु घनत्व जोधपुर का नहीं है कोई भी। चलो बीकानेर, मैं कोई आंसर नहीं दे रहा, आंसर सिर्फ यहाँ दे रहे हैं बाड़मेर और जैसलमेर। सर्वाधिक पशु घनत्व राजसमंद दौसा का है राजस्थान के अंदर, तीनों कैंडिडेट गलत है। यहाँ भी आंसर नहीं था और यहाँ भी आंसर नहीं था, आंसर कहाँ है, जैसलमेर। न्यूनतम जो पशु घनत्व आता है वो न्यूनतम पशु घनत्व राजस्थान में किस जिले का आता है, जैसलमेर। अब दो कैंडिडेट जिसने जैसलमेर आंसर दिया, दोनों बताएं कितना है, कितना, 84 83 हाँ यही है, यही समथिंग आता है, 84 या 83 कोई दिक्कत नहीं है, 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। ये प्रति वर्ग किलोमीटर इतने न्यूनतम पशुओं का रेशो आता है वो कहाँ आता है, जैसलमेर। अगर हम भारत में पशुधन की दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक पशु किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। तो पहला स्थान किस राज्य का हो गया, उत्तर प्रदेश का, तो और दूसरा नंबर किसका आता है, राजस्थान का। तो पशुधन के अगर दृष्टिकोण से अपन बात करें भारत में, राजस्थान में तो सर्वाधिक पशु घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक पशु घनत्व जो है वो कहाँ है, राजसमंद और दौसा, जबकि सर्वाधिक पशु का रेशो बाड़मेर के अंदर आता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ है, बाड़मेर में, पर घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर सर्वाधिक पशु घनत्व है वो राजसमंद और दौसा, राजसमंद और दौसा, 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो घनत्व की बात करें, कुल 2019 के अनुसार वर्तमान पशु घनत्व 169, 2012 में ये पशु घनत्व था 166, 2003 के अनुसार पशु घनत्व 144 और 1951 में पशु घनत्व था कितना, 72। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक पशु घनत्व वो है राजसमंद और दौसा का 292 और न्यूनतम है जैसलमेर का 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर जैसलमेर के अंदर आते हैं। इसके अलावा आप नीचे एक नोट डालें, यहाँ तक आपने सबने नोट डाउन कर रखा है ना, तो इसके बाद नीचे एक नोट डालें, उस नोट में लिखना देश में पशुधन की दृष्टिकोण से, देश में पशुधन की दृष्टिकोण से पहला स्थान उत्तर प्रदेश, पहला स्थान उत्तर प्रदेश वे राजस्थान का दूसरा स्थान आता है, वे राजस्थान का दूसरा स्थान आता है पशुधन की दृष्टिकोण से। देश में पहला स्थान तो किस राज्य का हो गया, उत्तर प्रदेश का, और सेकंड किसका आ गया, सर्वाधिक पशु का अगर रेशो देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पशु भारत के अंदर है, सेकंड नंबर यूएसए के अंदर है। भारत में सर्वाधिक पशु उत्तर प्रदेश के अंदर है और सेकंड नंबर राजस्थान का आता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु बाड़मेर के अंदर है, सेकंड नंबर जोधपुर का आता है, थर्ड नंबर जैसलमेर का आता है, और सबसे कम पशुधन है वो कहाँ है, धौलपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा पशु राजस्थान में बाड़मेर और सबसे कम पशुधन का रेशो आता है वो कहाँ आता है, धौलपुर के अंदर। तो इन बातों को, इन आंकड़ों को आप कंप्लीट करें, इसके बाद आपको जो मुख्य तत्व नस्लों से भी क्वेश्चन उठते हैं कि गाय की नस्ल,
भैंस की नस्ल, भेड़ की नस्ल, बकरी की नस्ल, ऊंट की कौन सी नस्ल, उनकी विशेषताओं के संदर्भित जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन पर अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।